सब्सक्राइब करें आर एक्सेसिबल वर्ल्ड चैनल को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए फाइनली मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सबसे पहली वीडियो होगी जिसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको इंटरफेस का ओवरव्यू देने वाला हूं। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी प्रोडक्ट स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन आती है। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस 2013 और उससे ऊपर के वर्जन्स में, उससे नीचे के वर्जन्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें आप जब भी वो स्क्रीन आपके सामने आती है तो आपके सामने पहला ऑप्शन आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, आप बिना सुने उसमें एंटर कर देते हैं। तो उसके अलावा आपने और चीज़ों को वहाँ से एक्सप्लोर किया है, मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया होगा। तो आज हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। और कुछ लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया भी होगा तो उसका मतलब नहीं समझा होगा। तो आज हम उसको केवल एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, उन चीज़ों का मतलब भी नहीं समझेंगे और उनका क्या यूज़ है, क्या आपको उससे बेनिफिट हो सकता है वहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उनसे, तो ये हम जानने वाले हैं आज। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हो जो आपने कहीं पे सीखा नहीं होगा, क्योंकि आज हम बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है सीखने वाले हैं जो एक बेसिक यूज़र को, एक एडवांस यूज़र को भी पता हो तो वो उसके काम में बहुत एफिशिएंसी आने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं वर्ड ओपन करता हूं। Run dialog open combo box 38 volume level by n o r d tech desktop list op studio A no word, home grouping, new grouping 1 of 3, templates list 2 of 3, blank document alt F, H, Y4 1 of 7. तो आप कोई भी application open करोगे office का, चाहे word हो, excel हो, powerpoint हो, तो आपको पहला पेज यही दिखाई देगा, blank document. तो आपका focus इसी पे जाएगा, excel में बोलेगा blank workbook, powerpoint में बोलेगा blank slide, है ना? तो इस तरह से आपको option मिलेगा. तो ये क्या है, आपको सुनाई दिया है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट से पहले जो बोला था. तो ये स्क्रीन रीडर जो बोलता है वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप बोलता है. पहले वो उसने बोला वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, फिर उसके बाद उसने उसके अंदर जो चीज़ है यानी टेम्पलेट लिस्ट, तो टेम्पलेट लिस्ट के बाद जो उसने बोला ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये सबसे लास्ट में बोला, मतलब वो उसके ऊपर उसका फोकस है. यानी आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि सबसे बड़ा हो गया वर्ड, उसके अंदर टेम्पलेट लिस्ट, उसके अंदर ब्लैंक डॉक्यूमेंट. तो टेम्पलेट लिस्ट में और भी लिस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर टेम्पलेट जो है वो आपके सामने ओपन होते हैं जब भी आप कोई भी फाइल, न्यू फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल ओपन करते हो. तो हमारा जो फोकस है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, ब्लैंक फाइल पे जाता है, वो भी एक टेम्पलेट ही है. तो हम जनरली इसी टेम्पलेट का यूज़ करके, सबसे कस्टमाइज करके फाइल बनाते हैं. तो इसके अलावा कुछ इनबिल्ट टेम्पलेट और दिए हुए हैं. वेलकम टू वर्ड alt F H Y 5 2 of 7. वेलकम टू वर्ड, ये एक टेम्पलेट है. Right arrow, left arrow, sub. Insert your first table of contents tutorial alt F H Y 6 3 of 7. Welcome to Word alt F. Insert your first banner calendar alt F H Y 7 4 of 7. ठीक है, तो यहाँ पर आप right left arrow सभी तरीके से मूव कर सकते हो. यहाँ पे template list आपको मिलेगा. By default आपका focus template list पे जाता है.
इसके बाद अगर हमें और ऑप्शन इसके एक्सप्लोर करने हैं तो हम करेंगे टैब. More templates link alt F H Y B 3 of 3. तो यहाँ पर आपको लिमिटेड ही टेम्पलेट शो करेंगे. सॉरी, तो यहाँ पर आपको लिमिटेड ही टेम्पलेट शो करेंगे. इसके बाद आपको मिलेगा ऑप्शन मोर टेम्पलेट्स. इसमें जाके आप मोर टेम्पलेट जो है वो जनरेट कर सकते हो. बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स इसमें आपको मिल जाएंगे. देखो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ फाइल लिस्ट न्यू अल्ट एफ एन. ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यू ग्रुपिंग न्यू सर्च फॉर ऑनलाइन. ठीक है, न्यू ग्रुपिंग में चला गया डायरेक्ट. अब यहाँ पे सर्च करके टेम्पलेट जनरेट कर सकते हो. अब वो टेम्पलेट कैसे हमें लेना है, कैसे उस पर वर्क करना है, अगर आपको ये जानना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आगे इसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे. तो अभी के लिए आप हम इसकी ब्लैंक पुरानी स्टार्ट सर्चिंग बटन सजेस्टेड सर्चेस लिस्ट ऑफिस लिस्ट 2 ऑफ 2 वेलकम टू वर्ड ऑल्ट एफ एन जी 11 ऑफ तो फाइल लिस्ट न्यू ऑल्ट एफ एन. मैं दोबारा से वर्ड ओपन कर लेता हूं. Run dialog document when text unavailable. ठीक है, desktop तो list. इस तरह से आप टेम्पलेट सर्च करके उन थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं. आप जैसे रिज्यूमे लिखोगे तो सर्च करके आपको रिज्यूमे का टेम्पलेट मिल जाएंगे. Word, home grouping, new, more templates list. तो हम more template पे आए थे. इसके बाद मैं टाइप करता हूँ search grouping 2 of 3 search edit alt f h e blank. इसके बाद आपको सर्च ऑप्शन मिलता है. ये टेम्पलेट का सर्च बॉक्स नहीं है, ये आपको वर्ड के बीच में, जैसे वर्ड फाइल एक्सेल फाइल कोई भी फाइल ओपन करोगे तो बीच में आपको ये सर्च का ऑप्शन मिलेगा. तो इसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, वर्ड में कोई भी फाइल सर्च कर सकते हो, कोई टेम्पलेट सर्च कर सकते हो, कुछ भी आप एनीथिंग आप सर्च कर सकते हो वर्ड के अंदर. तो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो ये टेम्पलेट्स वगैरह भी आपको बता देगा ये है. नहीं कनेक्ट होगा तो आपकी फाइल सर्च कर पाएगा. तो आप इसका इसको ट्राई कर सकते हो. इसके बाद हम टैब करेंगे तो देखते हैं कहाँ पे फोकस जाता है. ओपन ग्रुपिंग 3 ऑफ 3 टैब कंट्रोल 1 ऑफ 3 रीसेंट टैब सिलेक्टेड ऑल्ट एफ एच वाई सी 1 ऑफ 3. तो पहला हमारे पास था टेम्पलेट ग्रुपिंग, दूसरा हमारे पास सर्च ग्रुपिंग और तीसरा हमारे पास आया ओपन ग्रुपिंग. ओपन ग्रुपिंग में हमारे पास टैब कंट्रोल आए तो यहाँ पर टैब्स बने होते हैं. तीन टैब बने हैं. पहला है रीसेंट टैब, रीसेंट टैब. ठीक है, राइट एरो कर रहा हूं. पिन टैब सिलेक्टेड ऑल, पिन टैब. ठीक है, पिन टैब. इसके बाद शेयर्ड विद मी टैब सिलेक्टेड ऑल, शेयर्ड विद मी टैब, शेयर विद मी. तो ये शेयर विद मी, तो तभी शेयर विद मी और पिन ये तभी काम आएंगे जब आपने मालिक कुछ कोई भी वर्ड को पिन किया हो वन ड्राइव वगैरह में जाके. तो यहाँ पर आपको शेयर पिन आइटम शो करेंगे और शेयर विद मी में आपको कोई शेयर किया होगा वो फाइल शो करेंगे. क्योंकि 365 वाला ऑफिस है या 2021 भी आपका 365 वन ड्राइव से कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली. तो आप वन ड्राइव में अगर कोई फाइल सेव होगी तो वो भी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो डायरेक्ट. Recent share pin tab select recent tabs. तो हम रीसेंट वाला देखेंगे क्योंकि रीसेंट वाला ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अब रीसेंट वाले में आपको मैं बता सकता कि आपको कोई फाइल आपको नहीं मिल रही है ना. तो आपने कोई फाइल मान लिया ओपन करी और वो आपने डायरेक्ट ऑल्ट कंट्रोल एस करके एंटर करके सेव कर दी. आप अब या आपने जल्दबाजी में ऑल्ट F4 किया, वहाँ पे सेव बटन है, आपने सेव कर दिया डायरेक्ट नाम लिख के, लेकिन आपने उसका पाथ नहीं दिया. तो आप ढूंढने जाते हो डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ पे भी नहीं मिलता. डाउनलोड्स में ढूंढते हो, वहाँ भी नहीं मिलता. तो आपको कैसे ढूंढनी है वो फाइल और उसको फिर से यूज़ करके सेव करना है. तो यहाँ पे रिसेंट में आके आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो और ओपन करने के बाद आपको आप उससे सेव एज भी करवा सकते हो. तो यहाँ पर टैप करूंगा जैसे मैं रिसेंट में, रिसेंट लिस्ट 2 ऑफ 3 एज क्वेश्चन शीट 2 ऑल्ट एफ एच. ठीक है, यहाँ पर मुझे मेरी रिसेंट में जो मैंने फाइल ओपन करी थी या बनाई थी वो मेरे को शो कर रही है. पीएल क्वेश्चन शीट 1 ऑल्ट एफ ग्रोइंग आर्ट ऑल्ट एफ. ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे अलग अलग एज क्वेश्चन शीट 1 ऑल्ट एफ एच. तो एक फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ इनमें से या नहीं होती है. ध्यान रहे अगर यहाँ पे रीसेंट में कोई फाइल शो हो रही है, अगर वो आपके हार्ड डिस्क वगैरह में हो, हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं है तो वो एरर भी दे सकता है. नहीं भी होगा तो अभी ये वाला फाइल तो मेरे कंप्यूटर में ही है तो ओपन होना चाहिए. एंटर करता हूँ.
Resume H question sheet 1 compatibility mode word document page 1. ठीक है, तो ये फाइल ओपन हो, तो ये था हमारा अननोन, मैंने इसको क्लोज कर दिया, अभी पूरी तरह से वर्ड खाली है, तो पर से वैसे तो हमारा इतना ही है वर्ड में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ. Run dialog doc WinWord text desktop list Ops Studio Word More text open recent list 2 of 3. अब recent list जैसे मेरे को मिला यहाँ पे. Age question. अप डाउन एरो से मैंने recent list को एक्सेस कर लिया. अब इसके बाद टैब करूँगा. More documents link. More document. इसमें जाएंगे तो open वाला जो ऑप्शन है फाइल मेन्यू में उधर आपका पता चला जाएगा. तो जैसे मोर टेम्पलेट में जा रहे थे तो वो हमारा न्यू वाला ऑप्शन है जो फाइल मेन्यू में उसमें जा रहा था. तो आपको ये सीखना है कि ओपन कैसे यूज़ करते हैं, न्यू कैसे यूज़ करते हैं, तो आप हमें लिख दीजिए कमेंट में, इसके ऊपर आगे वीडियो लेकर आएंगे. फाइल लिस्ट होम ऑल्ट एफ एच. इसके बाद टैब किया मैंने, फाइल मेन्यू आ गया डायरेक्ट होम न्यू ऑल्ट ओपन ऑल्ट एफ है ना. तो ये जो ऑप्शन थे वो हमारे होम वाले ऑप्शन के थे. इसके बाद डाउन एरो ऑफिस होम नोटिफिकेशंस ग्रुपिंग ओपन टीम्स नाउ बटन ऑल्ट एफ एच वाई 1 ऑफ 2. ये 365 में कुछ नया ऑप्शन है. ओपन टीम्स नाउ बटन ओपन टीम नाउ मतलब डायरेक्ट टीम ओपन करना हो यहां से. दिसमिस बटन ऑल्ट एफ एच होम ग्रुपिंग. ये एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, एक नोटिफिकेशन आई थी. नोटिफिकेशन आपको भी शो कर सकती है अगर कुछ टेम्पलेट. ठीक है, तो हम फिर से टेम्पलेट लिस्ट पे आ गए हैं. तो ये था ऑफिस का स्टार्टिंग का इंटरफेस, स्टार्टअप का इंटरफेस. आपको बताइएगा ये समझ आया या नहीं आया, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप हमें लिख सकते हैं. और बताइएगा ये वीडियो, आज की वीडियो आपको कैसी लगी. उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा. तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.